आईपीएल 2018 में भी विराट कोहली की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही। इस बार भी अपने पहले चार मैचों में से सिर्फ एक मैच में ही आरसीबी की टीम जीत हासिल कर सकी। इसी वजह से विराट कोहली अपने प्लेयर्स से काफी निराश नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस के साथ मैच हारने के बाद प्रेजेंटेशन में भी कोहली काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। अभी खबर आ रही है कि टीम के बाकी प्लेयर्स के साथ विराट कोहली प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आ रहे। गौरतलब है कि अभी तक आरसीबी की बैटिंग में अकेले विराट कोहली ही हैं जो कि लगातार रन्स बना रहे हैं। विराट कोहली जो कि दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार होते हैं, आईपीएल में अपनी टीम को टाइटल जितवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आरसीबी की टीम ने आईपीएल के 10 सीजन के बाद अभी तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता। हालांकि इन 10 सालों में 3 बार फाइनल में पहुंचकर आरसीबी की टीम जीत के बिल्कुल करीब आकर हार गई। 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ, 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स और 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद से आरसीबी को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरसीबी के पास बढ़िया प्लेयर्स की कमी है या कमजोर प्लेयर्स हैं। आरसीबी के पास विराट कोहली के अलावा एबी डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक जैसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच को अपने दम पर बदल सकते हैं। अगर आरसीबी की टीम के स्क्वाड को पेपर पर देखें तो उसमें भी कोई कमी नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके पास काफी अच्छे बॉलर्स हैं। जैसे कि फास्ट बॉलिंग में उनके पास उमेश यादव, क्रिस वुक्स और कोरी एंडरसन, और स्पिन में टीम इंडिया के गेंदबाज युजवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर भी शामिल हैं। अभी देखना होगा कि अपनी गलतियों से सबक सीखकर आरसीबी की टीम आगे आने वाले मैचों में कैसा प्रदर्शन करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।